जिन भाइयों का सीआईएसएफ का फिजिकल का जो सेंटर है वो सोनभद्र स्टेट में आया है, तो सोनभद्र स्टेट में चार सेंटर बनाया गया है। पहला है एटीबीपी अनपरा और दूसरा है ओबरा डैम, तीसरा है शक्तिनगर, चौथा है रिहंड बांध। रिहंड नगर में एक सेंटर बनाया गया है। तो जिन भाइयों का सेंटर यहाँ पे आया है सोनभद्र में, इन सेंटरों पे, उन लोग सोन वाराणसी से आप लोग सोनभद्र के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन आ जाएगा। उसके बाद सोनभद्र से आप लोग को बस से बस की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन का कोई पता नहीं है आएगा यहाँ तक या नहीं आएगा। तो आप लोग बस से आएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और जल्दी से आप लोग पहुँच जाएंगे। ट्रेन में आने के बाद आप लोग को जिस जगह सेंटर गया है उस जगह के लिए आप लोग गाड़ी पकड़ेंगे, तो वहाँ पर लगभग बस में आप लोग आ सकते हैं बस से। और बस से आने के बाद आप लोग अपने एड्रेस पे, अपने सेंटर पे आना है। उसके बाद जिन भाइयों को कोई प्रॉब्लम होगी उनके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या जाना है, कैसे रास्ता है और क्या सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जो भाई बहुत पहले से कमेंट कर रहे हैं कि मेरा फिजिकल इतने डेट को है, क्या मैं कब आऊँ, कितने दिन पहले, लगभग एक दिन पहले आ जाइए। और जो रनिंग है 5 किलोमीटर का, उसमें आप लोग को फुल टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद हाइट नापने के बाद आप लोग को रनिंग कराएंगे। रनिंग कराने के बाद जो भाई फेल होगा उसको बाहर कर देंगे। उसके बाद आप लोग का हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ उसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को लाइव दिखाऊंगा। और जिन भाई का सेंटर एटीबीपी अनपरा में है उनको मैं लाइव दिखाऊंगा कि आप लोग को कैसे आना है, क्योंकि मेरा सेंटर यहीं पर आया है और मेरा फिजिकल 30 तारीख को है। मैं अपना फिजिकल देने के बाद फिर यहाँ से रिटर्न जाऊँगा ओबरा डैम के पास। तो वहाँ भी जिन लोग का सेंटर है मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा, दिखाऊँगा आपको कि कैसे आप लोग को वहाँ पर आना है। चलिए दोस्तों, अगर अनपरा एडीपीपी अनपरा सेंटर पे जिन भाई को आना रहेगा वो लोग इस वीडियो के माध्यम से आराम से आ सकेंगे। वाराणसी से आप लोग ट्रेन पकड़िए सोनभद्र के लिए। सोनभद्र में आने के बाद आप लोग को जिस सेंटर पे जाना है वहाँ के लिए आपको सवारी मिलेगी, वहाँ से आप लोग सवारी में बैठ कर आ सकते हैं। आइए आप लोग को वीडियो बने रहेंगे और आइए आप लोग को दिखाएंगे कि आप लोग को एटीबीपी अनपरा सेंटर में कैसे चलना है। दोस्तों हम लोग अनपरा बस स्टैंड पे आ चुके हैं। ये है यहाँ का अनपरा का इस बस स्टैंड, और यहाँ से आप लोग को सामने जाओगे तो शक्तिनगर आएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बाएं मुड़ जाना है पश्चिम की तरफ। ये जो झंडा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोग को सीधे 200 मीटर की दूरी पर जाना होगा। 200 मीटर दूरी पर जाने के बाद आपको सीआईएसएफ का जो सेंटर है एटीपीपी अनपरा का वो आपको मिल जाएगा, बट ये जंगली का इलाका है, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं आप लोग को 200 मीटर आगे जाने के बाद जो कुछ भी होगी ऐसी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि जो सीएसएफ का फिजिकल है वो कितने बजे से एंट्री करा रहे हैं और किस तरह से रनिंग कराया जा रहा है, कौन से रोड है जो रनिंग हो रहा है और कितने बच्चों की बैच बनाई जा रही है, सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूँगा। तो फाइनली यार हम लोग अपने सेंटर पर आ चुके हैं। यहाँ बच्चों की जो कतारें हैं वो हमेशा बढ़ती ही जा रही हैं और कुछ बच्चे एडवांस पहले से भी आकर बैठे हुए हैं। तो ये जो मेन गेट दिखाई दे रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का, यही है आपका एटीबीपी अनपरा का सेंटर सीआईएसएफ का। यहाँ जो देखिए दो बोर्ड लगा है एटीबीपी अनपरा और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का। तो जो कुछ भी होगा वीडियो में हम सभी को आपको बताएंगे लास्ट में। ये जो रनिंग का गेट है ये इसके थोड़ा सा बगल है, ये जो सड़क दिखाई दे रहा है सामने, रनिंग इसी रोड पर कराया जा रहा है। और आपको जूम करके दिखाता हूँ कैमरा, यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो रनिंग करके फाइनली रेस मार चुके हैं और वही लोग को वहीं पर रोका जा रहा है। बाकी जो लोग रेस नहीं मार पाए उन लोग को साइड करके बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो आप लोग बने रहना और यही रोड है एटीपीपी अनपरा का जो सेंटर है इसी रोड पर रनिंग कराएंगे। और यहाँ देखिए बच्चे पहले से मौजूद हैं आकर, और बहुत बच्चे अभी भी आ भी रहे हैं, 24 मिनट के बाद तो उन लोग को एंट्री नहीं होगी। ये जो सामने आपके भाई दिख रहे हैं ये जो हाइट में छटे हुए हैं, इतने सारे बंदे हाइट में छट करके बाहर जो आ रहे हैं, अब इनसे पूछेंगे क्या आपका मैटर था, क्यों आप लोग हाइट में छट गए हो।